गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अबाउट मंथ ऑफ द ईयर। आज मैं आपको मंथ ऑफ द ईयर के बारे में बता रही हूँ। मंथ ऑफ द ईयर जो होते हैं वो महीनों के नाम होते हैं। वन ईयर में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में मैंने आपको 6 मंथ के नेम लिखवा दिए थे। हम लोगों ने लिखा था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, हमने मई जून तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग उससे आगे लिखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड लास्ट था हमारा मई। तो हम लोग लिखेंगे आज जून से। ओके, कहां से स्टार्ट करते हैं? जून से। तो जून की स्पेलिंग देखिए, जे यू एन ई, जून। ओके, जे यू एन ई, जून। हमने इससे पहले 1 2 3 4 5 मंथ के नेम लिखे थे, तो जून जो होता है वो कौन से नंबर पे आएगा? आपका 6 नंबर। ओके, 6, 7 नंबर। जून के बाद क्या होता है बेटा? जुलाई, जे यू एल वाई, जुलाई। ओके, अब क्या लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये क्या होता है? अगस्त। कौन सा मंथ होता है? अगस्त। ए यू जी यू एस टी, अगस्त। ए यू जी यू एस टी, अगस्त। अब क्या है? 9 नंबर। 9 नंबर पे क्या होता है बेटा? सितंबर, एस ई पी टी, S E P T E M B E R, September। ओके, J U L E, जून। J U L Y, जुलाई। A U G U S T, अगस्त। S E P T E M B E R, September। तो आज मैं आपको ओनली 4 मंथ के नाम लिखूंगी। तो हमने कितने मंथ के नाम लिखे हैं अभी तक? हम लोगों ने 9 मंथ के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और आज हमने लिखा है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये जो स्पेलिंग्स हैं उनको आपको आगे की तरफ 2 टाइम्स शिफ्ट करना है और आपको क्या करना है बेटा? इसको लर्न भी करना है। तो देखिए, जी यू एन ई, जून। जैसे यहाँ भी जे यू एन ई, जून। ओके, इस तरीके से आप यहाँ क्या लिखेंगे? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इसके बाद में जो आपके 10, 11 और 12 मंथ जो है, 3 मंथ आपके हैं, उनको मैं आपको बाद में रिवाइज करवाती हूँ। तो ये जो वर्क है बेटा, उसको आपको लर्न करना है, प्लस उसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है। ओके, थैंक यू।